Hello everyone, and this is a continuation video on index number. This is the last concept on this particular chapter, that is consumer price index. देखिए consumer price index होता क्या है, that is it is a basically the tool to measure the purchasing power of the consumers to purchase the particular type of products ड्यू टू द चेंजेस इन द प्राइसेस, राइट। मीन्स अगर मान लीजिए प्राइस अगर अपवर्ड या डाउनवर्ड जाते हैं तो इसकी वजह से कंज्यूमर की परचेजिंग पावर पे क्या इम्पैक्ट करता है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, राइट। तो वो देखिए, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर वीडियो में बताया, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर बास्केट है, ठीक है, अब उसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। इट मे बी रिलेटेड टू फ्यूल, क्लोथिंग, हाउसिंग, राइट, फूड, मेडिसिन, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक बास्केट है। अब इसकी देखो, अगर एक अब देखिए घर में अगर कोई एक पर्सन है, उसको ये सब चाहिए चाहिए, मतलब ये बास्केट है, उसको ये नीड है, रिक्वायरमेंट है उसको डेली बेसिस जो है लाइफ को स्पेंड करने के लिए, ठीक है, उनको इन सब में एक्सपेंड मनी को जो है एक्सपेंडिचर करना करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर ये सब चीज़ खरीदनी है तो उसको एक प्राइस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वो सपोज़ 1000 रुपी, वो 1000 रुपीज़ अगर वो स्पेंड कर रहा है इन सब में, ठीक है, अगर मान लीजिए प्राइस अगर अपवर्ड जाता है तो इसका इम्पैक्ट जो है उस पर्टिकुलर कंज्यूमर का परचेजिंग पावर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसी को हम निकालते हैं, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, राइट। सो देखिए, फर्स्ट वी एक्चुअली मेजर दी परचेजिंग पावर ऑफ मनी परचेजिंग पावर ऑफ मनी का मतलब होता क्या है, दैट इज कोई भी कंज्यूमर, ठीक है, कोई भी कंज्यूमर अगर एक प्रोडक्ट पे कितना वो खर्च करने का तैयार है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको जो है एक स्टैंडर्ड बताता है कि उस पर्टिकुलर कहते हैं कंज्यूमर का, ये कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ द सोसाइटी का इसका लिविंग इंडेक्स कितना है, तो वो भी हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ मनी, राइट। देन अगर मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, कोई रेगुलर जॉब है या कोई मतलब पार्ट टाइम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर रहा है, तो उसको जो है पर डे के हिसाब से कितनी वेजी से सैलरी मिलनी चाहिए, तो उसके हिसाब से भी हम जो सैलरी निकालते हैं वो किस तरीके निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बिकॉज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स, इट मे बी द रिक्वायरमेंट, डिमांड, सप्लाई, टेक्नोलॉजी, इन्फ्लेशन, राइट। सो हमें कहने का होता है रियल वेजेस, कैसे निकालते हैं, मनी वेजेस, डेट मीन्स उस पर्सन की मनी वेजेस एक्चुअली होनी कितनी चाहिए एज पर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। राइट, सो परचेजिंग पावर मनी रियल वेजेस, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यहाँ पर बेसिकली आपके दो ही मेथड होते हैं, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज दैट इज एग्रीगेट मेथड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, ये आपका फर्स्ट है। अच्छा, इसको हम दूसरे नाम में बोलते हैं, दैट इज वेटेड एग्रीगेट मेथड,
कंप्लिकेटेड एग्रीगेट मेथड। ठीक है, अगर हम देखिए इसको सिंपल तरीके से समझा जाए तो इसका मतलब होता क्या है, दैट इज दी टोटल एक्सपेंडिचर इन करंट ईयर। कंपेयर किससे कर रहे हैं हम, टोटल एक्सपेंडिचर इन द प्रीवियस ईयर और अगेंस्ट द बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। एंड दिस मेथड बेसिकली इक्विवेलेंट टू दी लास्ट पेयर्स मेथड। हमने लास्ट क्लास में लास्ट पेयर्स मेथड पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, सिग्मा पी वन क्यू जीरो डिवाइड बाय सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी आप इस तरीके से ला सकते हो, इस तरीके से ला सकते हो, दोनों मेथड सेम हैं। ठीक है, सो अभी हमने फर्स्ट मेथड देखा, दैट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। इसका दूसरा नाम है दैट इज वेटेड एग्रीगेट मेथड। कैसे ना, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर इन द करंट ईयर डिवाइड बाई टोटल एक्सपेंडिचर इन दिस ईयर मल्टीप्लाइड बाई 100। एंड दिस मेथड इज प्योरली बेस्ड ऑन द लास्ट पेयर्स मेथड, दैट इज हम कैसे आता है सिग्मा ऑफ पी वन क्यू जीरो डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ पी वन पी जीरो क्यू जीरो मल्टीप्लाइड बाई 100। Right. So move on to the next method, which is very very important. That is family budget method. Family budget method. Right. क्योंकि इसको हम किस तरीके करते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अपने वाले हैं किस तरीके से लाते हैं, सिग्मा ऑफ डब्ल्यू पी डिवाइड बाय सिग्मा पी, दैट्स इट। और यहाँ पर देखिए आपका पी क्या हो जाएगा, दैट इज द प्राइस रिलेटेड प्राइस रिलेटेड प्राइस रिलेटेड कैसे निकालते हो, सॉरी पी वन डिवाइड बाई पी जीरो मल्टीप्लाइड बाई 100 का प्राइस रिलेटिव हो गया। ठीक है, एंड वेट कैसे निकालोगे, दैट इज पी जीरो टू जीरो, दैट्स इट। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड मेथड, दैट इज द फैमिली बजट मेथड। अच्छा, इसको हमने इस तरह से निकालते हैं बिकॉज देखिए जैसे हमने आपको देखा वेट्स के अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो जब वेट्स के निकालते हैं तो देखिए सबकी वेट्स अलग होते हैं, फ्यूल के अलग होंगे, क्लोथिंग का अलग होगा, हाउसिंग का अलग होगा, फूड का अलग होगा, भाई सबके एक्सपेंडिचर अलग अलग होते हैं, सबकी प्रायरिटी अलग होती है। ठीक है, सबके लाइक्स एंड डिसलाइक्स अलग होते हैं। ठीक है, तो वो पसंद जो है कंज्यूमर जो उसके अकॉर्डिंगली वो खर्च करते हैं। राइट, तो देखिए ऑन द बेस ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से पढ़िए, कैलकुलेट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 2014 विद 2009 एज ए बेस ईयर फ्रॉम द फॉरन इंटरनेट यूजिंग द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड द फैमिली बजट मेथड। तो आपको देखिए दोनों ही मेथड यूज़ करना है। सो पहले देखते हैं हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला होता क्या है बेसिकली, आपका दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ पी वन क्यू जीरो डिवाइड बाय सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो। राइट, तो देखिए आपको क्यू जीरो गिवन है। ठीक है, प्राइस गिवन आपको पी वन एंड पी जीरो, तो बस आपको यही निकालना है, दैट इज लास्ट प्राइस मेथड से निकालना है। देखिए पहले हमने निकालेंगे दैट इज पी जीरो क्यू जीरो एंड फिर हम निकाल लेंगे पी वन क्यू जीरो। तो देखिए इनकी वैल्यू सर क्या होंगी आपकी, 600, 1840, 480, 720 एंड 1200। इजी बहुत है ये, 1000, 1200, 900, 540, 800, 1440। इसका जो आपका टोटल आएगा दैट इज 4840 एंड 5880। That's it. So
दैट इज इक्वल टू कितना परसेंट आएगा भाई, दैट इज 121.49। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? अगर आप उसको इंटरप्रेट करोगे तो कैसे इंटरप्रेट करोगे? दैट मीन्स द कंज्यूमर प्राइस एक्सपेंडिचर बेसिकली हैज इंक्रीज्ड बाय 21.49% फ्रॉम द बेस ईयर, राइट? सो ये आपका फर्स्ट मेथड है, दैट इज बाय एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखिए सेकेंड मेथड क्या होता है, दैट इज फैमिली फैमिली बजट मेथड। तो उसमें क्या होता है, देखा आपका सिग्मा ऑफ डब्ल्यू पी, डब्ल्यू क्या आपका देखा पर, अच्छा डब्ल्यू कहता है पी जीरो पी जीरो, वो मैं हम ऑलरेडी निकाल लिया। अब हमें पी निकालना, दैट इज प्राइस लेते हैं, ठीक है? तो इसी में ही कंटिन्यू कर लेते इसको। अगर हम निकालेंगे प्राइस रिलेटिव, तो हम किस तरह निकालेंगे, पी वन डिवाइड बाई पी जीरो मल्टीप्लाइड बाई 100, इसी तरीके से निकालेंगे दोनों वाले गिवन है, सो दैट मीन्स 20 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, राइट? सो दैट इज इक्वल टू 166.67, 120, 107.14, 112.15, ट्रिपल 1.11, 112, राइट? एंड डब्ल्यू, ये तो आपको डब्ल्यू के इक्वल हो गया, बस आपको मल्टीप्लाई करना है इसको, दैट इज डब्ल्यू पी का प्रोडक्ट आपको चाहिए। सो दैट इज इक्वल टू 1,20,000, 8,99,976, 54,000, 57,998.8, ठीक है? एंड इसका टोटल आपको पता ही है, सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू फैमिली बजट मेथड आपके वैल्यू सेम आएगी, बहुत इजी कंसेप्ट है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड ऑल्सो फाइंड आउट हाउ मच वेरीज टू बी इंक्रीज टू कंपेंसेट द रिस्क इंडेक्स इफ द वर्कर्स आर गेटिंग 3500 पर मंथ इन द बेस। तो कुछ नहीं करना आपको, देखो बहुत सिंपल है, आपको इसमें आपको वही कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, दैट इज यहाँ पर वही कुछ आपसे, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से कुछ आपसे। तो देखिए वही सेम आपको पी वन पी जीरो की आपको इस बार आपको वेट्स की बने, तो जब भी वेट्स की बने तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, दैट इज फैमिली बजट मेथड अप्लाई करोगे, ठीक है? ये इससे करने वाले आप प्राइस रेटिंग वालोगे, दैट इज पी वन डिवाइडेड बाई पी जीरो 200 डब्ल्यू पी कर देना जो भी आंसर आएगा, ठीक है? तो इसको क्या करोगे, इंटरप्रेट कैसे करोगे, दैट मीन्स बाय हाउ मच लाइक बाय दिस परसेंटेज द वर्कर्स वेजेस हैव इंक्रीज फ्रॉम द बेस ईयर, राइट? एंड जो भी परसेंटेज आएगा, जैसे कि मैं चलिए इसके मैं आंसर बता देता हूँ, 50 का जो आपका आंसर आएगा दैट इज 138.5। इसका मतलब क्या होगा कि 38.5% जो होगा इंक्रीज हुआ बेस ईयर से, ठीक है? बेस ईयर में देखा वेजेस कितनी की बने 3500, इसमें बस आप 38.5% आप एड कर देना, विल गेट
4847.5। इंक्रीज कितना हुआ इसका और इसका डिफरेंस, ठीक है, दैट इज 1347.5। दैट्स इट, इजी था ये। क्वेश्चन नंबर 16, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्टेन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स द फॉलोइंग में ग्रुप इंडेक्स नंबर्स वर फॉर्म टेबल द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बाय यूजिंग द वेटेड अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। ये भी देखिए मोर लेस सेम ही है, चलो उसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट मेथड दैट इज वेटेड अर्थमेटिक मीन, तो जो हम वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो उसको क्या फॉर्मलाइज करेंगे, दैट इज अगर सी पी आई जो हम निकालेंगे तो वेटेड अर्थमेटिक मीन से करेंगे वही सेम सिग्मा ऑफ डब्ल्यू पी डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ डब्ल्यू, राइट। तो देखिए वेट्स आपको गिवन है, ठीक है, बस आपको क्या करना है प्राइस मल्टीप्लाई करना है, इंडेक्स नंबर आपको गिवन ही है। तो देखिए पहले निकालेंगे डब्ल्यू पी, इंडेक्स नंबर को बस वेट से मल्टीप्लाई करना आपको 1750 200 240 160 500, टोटल वुड बी 2850, राइट। एंड वेट्स का टोटल होता है 10, सो दे हो गई कंप्लीट 2850 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज इक्वल टू 285। दैट्स इट, दैट द फर्स्ट मेथड होगा, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एज पर दी अर्थमेटिक मीन, राइट। बात करते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन है, पहले देखिए ज्योमेट्रिक मीन में आपको फॉर्मूला यूज करना क्या है, कैसे निकालोगे, देखिए वही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना है, किससे निकालोगे, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा ऑफ डब्ल्यू लॉग पी डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ डब्ल्यू, दैट्स इट। तो देखिए टोटल आपको पता है सिग्मा आपको जानना है इंडेक्स नंबर, यानी कि जो पी है इसको आपको लॉग निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगेंगे लॉग पी 350 का, अगर आप लॉग निकालोगे यू विल गेट 2.5441 2.3010 2.3802 2.2041 2.3979। अब आपको चाहिए प्रोडक्ट ऑफ लॉग पी एंड डब्ल्यू, सो प्रोडक्ट ऑफ वेट्स एंड लॉग पी 12.7205 2.3010 2.3802 2.2041 4.7958 एंड द टोटल इज 4016। बस सारी बोली जान लिया होगा आपने, आपको तो फाइनेंस आएगा दैट विल बी दैट इज 275.4, राइट, इजी है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द इन मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज 10,500, इट इज गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पर पर्टिकुलर मंथ इज रुपीज 136, फाइंड आउट द अमाउंट स्पेंट बाय दैट पर्सन ऑन फूड एंड क्लोथिंग। अच्छा आपको एक्सपेंडिचर मिसिंग है, आपको इंडेक्स गिवन है, एक्सपेंडिचर कुछ मिसिंग है, तो बस वो निकालना आपको कि मिसिंग फिगर्स क्या निकालना आपको, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, आपको कुछ गिवन है कुछ आइटम्स,
रेंट, क्लोथिंग, फ्यूल एंड पावर एंड सम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स। आपको एक्सपेंसेस गिवन है, फूड की गिवन नहीं है, तो एक काम करते हैं, उसको हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। देन 1470 क्लोथिंग का गिवन नहीं है, तो उसको हम वाई सेलेक्ट कर लेते हैं। देन 1680 एंड 1890, ठीक है। एक्सपेंडिचर यहाँ पर क्या है, बेसिकली दी वेट्स टोटल करते हैं इसका, तो टोटल करता दिया जाएगा, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस 5040, राइट। अब नेक्स्ट आपको गिवन है इंडेक्स, इंडेक्स फॉर दैट इज द प्राइस रेटिंग गिवन आपको 180, 100, 150, 110 एंड 80। आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ वेट्स एंड प्राइस इंडेक्स, सो दैट इज इक्वल टू 180x 147,000, 150y 184,800, 151,200। टोटल करेंगे इनका, तो 180x प्लस 150y प्लस 483,000, ये हो गया टोटल। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपको गिवन है इनकम ऑफ द मंथली पर्सन गिवन आपको, सो दैट मीन्स एक तो आपको ये क्वेश्चन गिवन है, दैट इज 10,700 ये मंथली एक्सपेंडिचर है, इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 5040, तो इससे सिंगल आएगा। नेक्स्ट क्या गिवन आपको, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आपको एक पर्टिकुलर मंथ का गिवन है कितना आपको 136, राइट। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स गिवन आपको, तो देखिए अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का फॉर्मूला अगर निकालते हो तो कैसे निकालते हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, देखिए सिग्मा ऑफ डब्ल्यू पी डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ वेट्स, तो ये आपको कितने गिवन वैल्यू आपको, गिवन ऑफ 136 इक्वल्स टू ये हमने निकाले, दैट इज 180x प्लस 150y प्लस 483,000 डिवाइडेड बाय, ये तो आपको मंथली एक्सपेंडिचर गिवन ही है, राइट। तो बस यहाँ से आपको एक्स एंड वाई के भी निकालोगे, तो जब आप निकालोगे तो आपके पास ये वैल्यू आपके पास ये आएगी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5460, राइट। सॉरी आपके क्वेश्चन मिस कर दी, ये आएगी 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 31,500, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। रखो करने यहाँ से आपको सेकेंड क्वेश्चन निकालनी है, देखो ये देखिए ये जो वैल्यू है ये किसके को इक्विवेलेंट है, दैट इज इक्वल टू 10,500, तो यहाँ से जो इक्वेशन निकालते हैं क्वेश्चन आएगी आपको एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5,416, ये सेकेंड इक्वेशन आ रही है, ठीक है। दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करो
सो आपकी जो एक्स की वैल्यू आएगी दैट वुड बी इक्वल टू 4200 एंड वाई का क्या रहेगी दैट इज 1260, दैट्स इट। ठीक है, इजी था। तो क्लास से विद दिस वी हैव फिनिश्ड द इंडेक्स नंबर चैप्टर, ऑलराइट। सो क्लास आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।